वडालिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा और नॉनस्टॉप खबरों का सिलसिला। किश्तवाड़ हादसे में मौसम साफ होने पर बचाव कार्य में आई तेजी, जवानों ने जान पर खेल कर बचाई लड़की की जान, 8 महिलाओं समेत 19 लोग अभी भी लापता। एक झटके में तहस नहस होकर पूरा गांव पानी के बहाव में डूबा, लापता लोगों की तलाश जारी, तस्वीरों में देखे बादलों का तांडव। जम्मू संभाग में बदल रहा बरसात का पैटर्न, दिन घटे लेकिन ज्यादा हो रही बारिश। जम्मू कश्मीर DSP ट्रैफिक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज, वीर नारी ने उप राज्यपाल और सेना अध्यक्ष से मांगा इंसाफ। NIFT श्रीनगर ने 21 पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन, अंतिम तारीख 20 अगस्त निर्धारित। पुंछ के मंकोट सेक्टर में बारूदी सुरंग में विस्फोट, सेना का एक जवान घायल। कठुआ में कटली रूट पर चलने वाली मिनी बस पलटी, हादसे में 24 यात्री घायल। 12वीं से अधिक शिक्षित उम्मीदवार क्लास 4 पदों के लिए दावेदार नहीं, पुलिस विभाग में 151 वायरलेस असिस्टेंट की नियुक्तियां खारिज। मिशन यूथ के तहत 3000 विद्यार्थियों को मिलेगी कोचिंग, मिलेंगी 30% सीटें। अफगानिस्तान में तालिबान ने हास्य कलाकार की हत्या की बात कबूली, पीटने का वीडियो हुआ वायरल। खबर के अंत में, भाजपा के वरिष्ठ नेता कंवर राजीव चारिक और तहसील पोगरपरस्तान की हुचिक पंचायत के सरपंच तीरथ सिंह बाली ने भाजपा प्रदेश सदस्य के साथ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता के साथ मुलाकात कर उन्हें मेमोरेंडम सौंपा। मेमोरेंडम में उन्होंने जिला रामबन तहसील पोगरपरस्तान की पंचायत हुचिक में क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए धनराशि जारी करने की अपील की। चारक ने बताया कि स्टेडियम का निर्माण करने के लिए 50 कनाल जमीन खाली है, लेकिन धन की कमी के कारण हम जमीन पर निर्माण का कार्य नहीं कर पा रहे। उन्होंने बताया कि पूरे जिले में क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूरे क्षेत्र में स्टेडियम काफी फायदेमंद होगा, जबकि इसका उपयोग अन्य गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है। चारक ने आगे बताया कि ये जगह बेहद खूबसूरत है और इसे केंद्र शासित प्रदेश में आसानी से बड़े पर्यटन केंद्र में तब्दील किया जा सकता है। चारक ने कहा कि खेल के युवा खेल के क्षेत्र में प्रतिभाशाली हैं, लेकिन अवसर और पहुंच की कमी के कारण वो क्रिकेट में कोई विकास नहीं कर पा रहे। उधर तीरथ सिंह सरपंच हुचिक ने बताया कि पंचायत फंड की मदद से उन्होंने 114 स्क्वायर मीटर के मैदान में काम किया, लेकिन बाकी का कार्य पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त फंड का समाधान नहीं है। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने उन्हें आश्वासन दिया कि एसोसिएशन इस मामले को विचाराधीन करेगी। उनके साथ आए अन्य लोगों में स्टेट एडिशनल सेक्रेटरी JKJIM दर्शन कुमार, करण सिंह बाली और नसीब सिंह भी शामिल थे। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला होता है यहीं पर समाप्त। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।